नाम है रीता कार्की। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? नागालैंड से। और यहाँ दिल्ली में कितने दिन से रह रहे हैं? मैं 8 साल से हूँ। और क्या काम करते हैं आप? मैं कुक करती हूँ, कोठी में काम करती। कोठी में काम करते हैं आप? तो अभी आपको जो आप मेरे पास आए हो, क्या प्रॉब्लम है आपको? बच्चे के स्कूल एडमिशन के लिए। कौन सा बच्चा? ये लड़की। हाँ, ये इस लड़की का क्या है बताओ? लड़की का प्रॉब्लम ये है कि उसने वहाँ पे पढ़ाई किया है, तो अभी हम लोग का साथ लेके आए हैं नागालैंड पे, तो उसका एडमिशन नहीं हो रहा है दिल्ली में। तो हम लोग का वहाँ पे नागालैंड में जो है फरवरी से स्टार्टिंग होता है स्कूल और दिसंबर को खत्म होते हैं। ठीक है। और यहाँ पे दिल्ली में हम अप्रैल से एडमिशन करने के लिए भाग रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि लड़की एज ज्यादा हो गया है। कैसे एज ज्यादा हो गया? बोल रहे कि अभी क्लास 9th 10th में बैठने के लिए एज हो गया है। तो एक तो ओपन में पढ़ाओ, नहीं तो आधार कार्ड एज कम करा के बना के लाओ। तो हमने वो भी कोशिश किया है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। वहाँ पे हम चोरी गलत काम नहीं कर सकते, तो सरकारी काम है वो सही सही तरीका से होता है। तो हम सही सही तरीका से सब डॉक्यूमेंट बनाया था कि हम बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे। तो मैंने सर को पेपर में देखा है, फिर आपसे कॉन्टेक्ट किया है, तो आप के पास बहुत ज्यादा उम्मीद लेके आई हूँ कि मेरा कुछ होगा। नहीं तो इसको, इस बच्चे को, आपका बेटे नाम क्या है? थोड़ा तेज बोलो ना, कुछ खा पी के आया भी है वो? मैरी कार्ती। ये मैरी कार्ती है जो फरवरी 2005 में पैदा हुई और नागालैंड में ये 5वीं क्लास तक पढ़ी है। इसके पास वैलिड जो है सर्टिफिकेट है और ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी है। लेकिन मुद्दा यहाँ पर यह है कि क्योंकि ये फरवरी 2005 में पैदा हुई है, तो ये 31 मार्च 2019 को 14 साल और 2 महीने की हो गई है। तो अब दिल्ली सरकार के जो स्कूल है, वसंत विहार में स्कूल था? हाँ, है? कौन सा स्कूल है उसका? सी ब्लॉक में सर्वोदय कन्या विद्यालय या गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है? सर्वोदय स्कूल जो है वो ये कह रहा है कि क्योंकि आपकी जो उम्र है 14 साल से 2 महीने ज्यादा हो गई है 31 मार्च 2019 को, इसलिए आपका यहाँ पर किसी भी क्लास में दाखिला नहीं हो सकता है। ये तो बहुत एक तरीके से बहुत फनी है ना। है एक तरफ तो आप क्या कह रहे थे कि वो 2 महीने से वो कहते हैं कि बेटी को पढ़ाओ, क्या कह रहे थे आप? बेटी को पढ़ाओ, बेटी को पढ़ाओ बोलते हैं, तो बच्चे को एडमिशन नहीं मिलेगा, तो कैसे बेटी पढ़ाओ, कैसे बेटी बचाओ। तो ये सब मतलब भाषण ही भाषण है ये। जब आप अपने बच्चे को लेके गए हो तो आपके बच्चे को दाखिला मना कर दिया उन्होंने, तो ये तो इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली के किसी स्कूल में ये पढ़ ही नहीं सकता। ओवर एज हो गया उनके हिसाब से, तो ये तो एक बहुत ही दुख की बात है। और इस बच्चे के जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो राइट है वो एकदम वायलेट हो रहे हैं। और दिल्ली सरकार को चाहिए कि वो अपने सारे स्कूलों को बोले कि इस तरीके के जो केसेस होते हैं उनको वो दाखिला मना नहीं करे, क्योंकि इसका रिजल्ट क्या होगा कि अगर इस आधार पर उसको दाखिला मना कर रहे हैं क्योंकि वो 14 साल 2 महीने की हो गई 31 मार्च 2019 को, और इसलिए स्कूल के अंदर उसका दाखिला ही नहीं मिल सकता, तो ये बच्चा तो परमानेंटली एजुकेशन से ही डिप्राइव हो गया। तो ये जो फंडामेंटल राइट है हमारा आर्टिकल 21 में राइट टू एजुकेशन का, और जो 21A के अंदर है कि आप जो है एलिमेंट्री एजुकेशन तक जो है आपका फंडामेंटल राइट है, और जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, ये तो सब मीनिंगलेस हो गया इसके अंदर है। मुझे लगता है ये गंभीर इश्यू है और इसमें सरकार को जो है बहुत ठोस कदम उठाने चाहिए, जिससे कि कोई भी बच्चा जो उनके स्कूलों में आता है, अगर 18 साल से कम का है तो उसको किसी ना किसी क्लास के अंदर जो है एडजस्ट करना चाहिए।